तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो अभी अभी एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है एमपी बोर्ड के लिए। जून में आएगा आपका रिजल्ट। तो क्या पूरी न्यूज़ है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जब ही आपको वीडियो समझ में आएगी इसके वीडियो को बिल्कुल भी ना करें। टाइम टेबल के बारे में भी जानकारी दी गई है, मसीमा ने जारी किया नोटिफिकेशन, और सबूत भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं और लाल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। तो क्या है, एमपी बोर्ड 10वीं व 12वीं के बचे हुए पेपर मई में हो सकते हैं। तो दोस्तों पेपर को आपके मई में होने की उम्मीद जताई जा रही है। लॉकडाउन के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 व कक्षा 9 से 11 के छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया है। वहीं कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के जो पेपर बाकी रह गए थे उन्हें लॉकडाउन खत्म होने के बाद मई में कराने की तैयारी है। मंडल की कोशिश से होगी कि प्रवेश में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपियों का मूल्यांकन कराकर रिजल्ट जून में ही दे दिया जाए। तो जून में रिजल्ट की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों यही न्यूज़ थी जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। तो आपका जो रिजल्ट है मैं जून में मसीमा तैयारी कर रही है कि आपका रिजल्ट जून तक आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।